पश्चिम बंगाल में हुए कोलकाता रेप और हत्याकांड से जुड़े मामले में आरजी कर अस्पताल और कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बड़ा झटका लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वो याचिका खारिज कर दी, जिसके जरिए संदीप घोष ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। पूर्व प्रिंसिपल की ओर से याचिका में कहा गया था कि कोलकाता हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। हाई कोर्ट ने हॉस्पिटल में हुई रेप की घटना को बेवजह भ्रष्टाचार से जोड़ने वाली टिप्पणी भी की। संदीप घोष के लिए पेश वकील की मांग थी कि बायोमेडिकल वेस्ट से जुड़े भ्रष्टाचार की जांच को रेप और मर्डर केस की जांच से अलग कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो सीबीआई को ये नहीं बताएंगे कि वो किस तरह से जाँच करें। एक पीआईएल पर हाई कोर्ट ने सीबीआई जाँच का आदेश दिया था, उसमें आपका पक्ष सुना जाना जरूरी नहीं था। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पक्षकार बनने के पात्र नहीं है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल से जुड़े मामले में संदीप घोष की मुश्किलें एक दिन पहले 5 सितंबर को तब बढ़ गई थी, जब कोलकाता रेप और हत्याकांड की जांच कर रहे सीबीआई को अहम दस्तावेज मिला। डॉक्यूमेंट के मुताबिक संदीप घोष ने पीड़िता की लाश मिलने के अगले दिन पीडब्ल्यूडी के मौके के पास के इलाकों में मरम्मत के निर्देश दिए थे। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले 3 सितंबर को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के विवादास्पद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सस्पेंड कर दिया था। विभाग ने देर शाम जारी आधिकारिक आदेश में इस बारे में घोषणा की। हालांकि आदेश पर स्वास्थ्य सचिव एनएस निगम की बजाय विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के साइन थे। दरअसल आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जब जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर की रेप के बाद लाश मिली थी, तब संदीप घोष ही संस्थान के प्रभारी थे।